वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियरेस्ट फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्मिता फेस्टिव ब्लॉग। तो बताइए कैसे हैं सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की कुशलता की शुभकामना करती हूँ। हो चुकी है मेरे ब्लॉग की शुरुआत, बने रहिएगा दिन भर मेरे साथ। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, हम आ गए हैं सबसे उठ करके, सबसे पहले आ गए हैं, नहीं सबसे पहले तो नहीं, और भी घर में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आ गए हैं किचन में, किचन की साफ सफाई करने, क्योंकि हम कल नहीं किए थे, मतलब शाम को नहीं किए थे, इसलिए अभी सुबह सुबह, और बिना किचन साफ किए तो कुछ बना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले गैस चूल्हा को साफ करेंगे, स्लैब को साफ करेंगे, वैल पोछा को साफ करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, कहा क्या जाता है, साफ ही करना चाहिए किचन, इसका तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है। सबसे पहले किचन साफ करना चाहिए क्योंकि किचन जूठा हो जाता है। पहले तो किचन मिट्टी का हुआ करता था, तो मिट्टी से चूल्हा पोता जाता था, किचन साफ रसोई घर होता था, उसको साफ किया जाता था। अभी तो ये सब है सिस्टमेटिक है, तो चलिए जो भी है उसको भी करना चाहिए। तो इसके लिए हम पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म करने में थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर या थोड़ी सी शैम्पू मिक्स करके टॉयल को भिगो लेते हैं और उसे डीप करके इन सबको एक बार में पोंछ देते हैं। खूब अच्छा सा क्लीन हो जाता है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ता है। तो घर की साफ सफाई करने के बाद हम बना लेते हैं फटाफट से चाय। अगर किचन साफ रहता है तो हम सबसे पहले चाय बनाते हैं, पर किचन साफ नहीं था इसलिए हम किचन साफ करने के बाद चाय बनाते हैं। चाय बनाकर पीने के बाद आगे का काम होगा। तो उसके लिए हम लिए हैं एक कप दूध, एक कप पानी या डेढ़ कप पानी होगा, ऐसे ही चलता है, कभी एक कप दूध, डेढ़ कप दूध, एक कप पानी, ऐसे चलता है। दो ही कप बनाना रहता है मुझे, दो ही कप नहीं पीते तो सिर्फ हम ही हैं, बच्चे मेरे चाय नहीं पीते, बिल्कुल भी चाय नहीं पीते। कभी तबीयत वगैरह नहीं ठीक हुई तो बहुत कम चाय पत्ती ऐड करके हम देते हैं, नहीं तो उन लोग खुद भी नहीं पीते, मतलब उन लोगों की आदत नहीं है चाय पीने की। जो भी चाय बनता है हम पीते हैं या कोई आया रहता है तो उन लोग पीते हैं चाय। और मुझे हमेशा से मेरी आदत है, कई बार हम ये बात बता चुके हैं, दो कप चाय बनाने की आदत है, तो इसलिए हम दो कप अभी बनाते हैं। वो बात अलग है कि आप लोगों के साथ दोनों कप हम ही पी लेते हैं। तो वही है, चाय बना रहे हैं, चाय बना करके पी लेंगे, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे, क्योंकि बिना चाय पिए तो जान आती नहीं है। वो तो जो काम करते हैं ना, घसीट घसीट के करते हैं, किसी भी तरह से कर लेते हैं, क्योंकि उतना करना रहता है, माइंड में रहता है ना कि नहीं इतना काम करने के बाद ही चाय बनाना है। अगर किचन साफ रहता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले हम चाय बनाते हैं। अगर किचन साफ नहीं होता है तभी हम कुछ और काम करने के बाद, फिर किचन साफ करने के बाद तब चाय बनाते हैं, लेकिन जब तक चाय नहीं पीते हैं ना आगे का काम हो ही नहीं सकता है। आदत कह लीजिए या ज़रूरत कह लीजिए, जो भी कहा जाए। तो चाय बनकर के रेडी हो गई है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, अदरक वाली चाय है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे साथ अदरक वाली चाय पर। चाय पीकर बताइए चाय कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है, पी लीजिए चाय आप लोग। और इसी के साथ हम ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर लेंगे। तो इसके लिए हम चीला बनाएंगे। चीला बनाने के लिए थाली में बेसन छान करके ले लिए हैं और इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च को चॉप करने के लिए, इसमें मतलब इसमें चॉप कर देंगे, थोड़ी महीन महीन हो जाएगी, महीन महीन करना है। और थोड़ी सी आलू, मतलब दो आलू को छील करके ग्रेट करके धो करके रख लिए हैं, तो उतना नहीं दिखाते हैं ना, वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबी जाती है, तो कुछ तैयारी कर लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो वही हम आलू को रेत करके थाली में रख लिए हैं और इसमें जो है इस तरह से इसे चॉप कर लेंगे। चीला बनाने के थोड़ा सा फेंट करके इसको रखना चाहिए, तुरंत बनाने से सिकुड़ जाता है, मतलब फैलता नहीं है तवा पे, इसलिए थोड़ी देर के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए इसको रख ही देना चाहिए। तो इसको हम फेंट करके रख देंगे, रख कर जा करके नहा लेंगे, उतने देर में मेरा ये बन जाएगा, रेडी हो जाएगा बनाने के लिए। ये है आलू इसमें मिक्स कर दिए, प्याज टमाटर हरी मिर्च को चॉप किए थे, आलू को ये है मतलब रेता हुआ आलू है, इसे हम इसमें मिक्स कर दिए, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी हल्दी, और जो भी होता है जैसे मिक्सी जार में कुछ लगा रहता है, चौपट में कुछ लगा रहता है, तो इन सबको धो धा करके इसमें ऐड कर देना चाहिए, अच्छा ही होता है, फेंकना नहीं चाहिए, इसमें भी फ्लेवर होता है।
ये है लहसुन, लहसुन को भी थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे, इससे भी टेस्ट अच्छा बन जाता है। ये बहुत ही सिंपल आसान पेट भरने वाला नाश्ता होता है। इसके बाद सच पूछे तो हम लोग लंच नहीं बनाए इतने, मतलब इसको खाने के बाद हम, मुझे तो एक बार खा लेते हैं तो फिर भूख लगती ही नहीं है। बच्चों से पूछे तो वो लोग भी मतलब लेट से खाए, इसे बनाने में लेट हो गया था, छुट्टी थी तो लेट हो गया था बनाने में, तो फिर उन लोग बोले कि नहीं खाएंगे, तो फिर शाम को खाना बना। अब इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, इसके बाद नहा धो लेंगे, नहाने के बाद आएंगे तो फिर इसको हम बनाएंगे। वैसे तो इसको पतला पतला ही बनाना चाहिए, अगर इसमें वेजिटेबल नहीं होता तो काफ़ी पतला पतला बनता है। इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर कर सकते हैं, खीरा कर सकते हैं, शिमला मिर्च कर सकते हैं, कैबेज कर सकते हैं, जो अपनी इच्छा अनुसार जो बन सकता है, जो इसमें पक सकता है वो सब ऐड कर सकते हैं। और नहीं तो केवल प्याज टमाटर से भी बन सकता है, केवल प्याज से भी बन सकता है, पालक से बन सकता है, किसी भी चीज़ से बन सकता है, बिना किसी चीज़ का भी बन सकता है, सिर्फ जीरा हल्दी नमक मिर्चा ऐड करके। तो इसको फटाफट से सेंक लीजिए, सेंक लीजिए तो, लेकिन हाँ इस चीज़ को, इसको मतलब चीला को, इसको नहीं किसी भी चीला को गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा होने पे नहीं इतना अच्छा लगता। तो ये दो प्लेट लग गया है दोनों बच्चों का, इनको सेक सेक करके हम दे देंगे, पीछे खड़ी है पब्लिक मेरे, उनको दे देंगे, उनको भी भूख लग गई है, लगेगी क्यों नहीं लगेगी, सुबह तो जाना होता है कहीं, तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, जिस दिन छुट्टी रहती है ना उस दिन लेट हो जाता है, खुद से भी हम भी लेट कर देते हैं, उन लोग भी लेट करते हैं, हो ही जाता है, दूसरे काम में हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। और ये कढ़ाई में हम कुछ तले थे लगता है, याद नहीं है, उसी में ऑयल था तो हम उसी को इसमें लगा ले रहे हैं। ये दे देंगे उन लोगों को, अभी आप लोग को भी देते हैं, जस्ट वेट, बच्चों को पहले दे दें। बचा है उसको हम फटाफट से सेक लेंगे, फटाफट से नहीं सेक लेंगे, रोटियां से, जैसे रोटी बनती है ना, रोटी तो जल्दी जल्दी सेका जा सकता है, पर चीला पपरा डोसा ये सब जल्दी जल्दी नहीं बनाया जाता है, ये सब अपने टाइम पर ही होता है, वो हम लोग दिखा देते हैं काट काट करके जल्दी जल्दी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ, बी अलर्ट, थैंक यू।